तस्वीरें हैं राहुल गांधी के अनोखे अंदाज की। राहुल कभी ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर करते हैं तो कभी वो कुली बन जाते हैं। अंदाज ऐसा कि वो कभी ट्रैक्टर भी चलाने लगते हैं तो कभी मैकेनिकों के साथ बाइक को ठीक करते भी दिखते हैं, कभी व्यापारियों के साथ तो कभी छात्रों के साथ। और अब राहुल की एक और तस्वीर जिसमें वो झारखंड के रामगढ़ में न केवल कोयला मजदूरों से बात कर रहे हैं बल्कि तस्वीरों में कोयला ढोते हुए भी दिख रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड की सियासी नब्ज टटोलने पहुंचे राहुल गांधी धनबाद पहुंचे थे। न्याय यात्रा जैसे ही गोधर इलाके में पहुंची तो राहुल ने अपना काफिला रुकवा लिया और पास में ही कोलियरी की काली बस्ती में पहुंच गए। अचानक अपने बीच राहुल गांधी को देखकर कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर खुश हो गए। राहुल के लिए खटिया बिछाई गई, जिसे मजदूरों ने चारों तरफ से घेर लिया। बातचीत के दौरान राहुल गांधी मजदूरों का दर्द भी बांटते नजर आए। बीएसएफ के जवान जो है आते हैं तो हम लोग पर लाठी बरसाते हैं कि कोयला चोरी करता है, तो हम लोग के रोजगार दे दीजिए ना। लड़की का तो सुविधा दिया है मोदी सरकार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो निकाला है, मगर यहाँ रोजगार देगा तो ना बेटी पढ़ेगा। हम लोग के कोई रोजगार आज तक कभी मिलवे नहीं किया जब से कांग्रेस खत्म हुआ है, जब हम लोग देखिए नहीं रहे तो खत्म है ना सर। अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने रोजगार के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा, खास तौर पर अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए। जिस कोयलांचल में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है वहां लोकसभा की 3 सीटें धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह आती है। धनबाद और हजारीबाग सीट पर जहां बीजेपी का कब्जा है तो वहीं गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद हैं। चुनावों से पहले आम जनमानस के बीच जाकर राहुल सत्ता पाने का नया सियासी प्रयोग कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनावों में यही जनता गठबंधन की सरकार को सत्ता दिलाएगी या हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार पर ही भरोसा कर कांग्रेस और गठबंधन के साथियों की उम्मीदों पर पानी फेर देगी। We'll be right back.